हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, अगर अभी तक आपने पोएम्स नहीं पढ़ी हैं, मैं आपको एक सिंगल वीडियो में सभी पोएम्स की मेन मेन बातें बता दूंगा। आपको कम से कम टाइम में सारी पोएम समझ में आ जाएंगी कि आखिर इनकी स्टोरी क्या है, और जो भी आपके सिलेबस में पोएम है उनके नाम आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी, तो आप क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहली पोएम है माई मदर एट 66। सो माई मदर एट 66 जो है, इसके अंदर जो पोएटेस है उनकी जो मदर है वो थोड़ी सी ओल्ड एज है, 66 एज है उनकी। और होता क्या है कि इसमें एक डॉटर जब अपनी माँ से दूर होने का एक डर उसको सताता है, कि जो पोएटेस है कमला दास है ना, वो ये कहते हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं ये परमानेंट तो नहीं होते, एक दिन कोई ना कोई जरूर मरता है। ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर से अटैच होते हैं, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनको ये भी डर होता है कि हमारी माँ से हम एक दिन दूर हो जाएंगे। ऐसे ही होता क्या है कि एक जो एक ह्यूमंस का नेचर होता है कि कैसे हम अपनों को खोने से डरते हैं, जो डेथ है उसको कोई टाल नहीं सकता, भाई डेथ तो सभी के साथ आनी आनी है। अपने जो डियर वंस होते हैं, जो हमारे प्यारे जो जो रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं, हमें एक डर रहता है। पोएट जो है इसके अंदर, जो कमला दास, वो जाती हैं अपने पेरेंट्स के घर पे, और इनके पेरेंट्स का घर कहाँ पे था, कोचीन के पास में। वो क्या है कि शी हैड बिन रिटर्निंग होम लास्ट फ्राइडे। ठीक है, वो अपने घर आ रही होती हैं, और जब वो अपने रास्ते में हैं, ठीक है, जब वो मतलब जा रही होती हैं एयरपोर्ट की तरफ, और जब वो अपने रास्ते में होती हैं, वो नोटिस करती हैं अपनी कार में कि उनकी जो मदर है कमला दास की, वो सो रही हैं कार के अंदर, और उनका मुंह खुला हुआ है, और उनका मुंह इतना पीला पड़ चुका है कि जैसे बेजान हो, बिल्कुल कोई एक डेड बॉडी हो जैसे। फिर क्या होता है यहाँ पे, अब जो पोएटेस हैं, ठीक है, जब वो देखती हैं कि मेरी माँ की एज काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो वो अपनी माँ को कंपेयर करती है एक डेड बॉडी के साथ में, काइंड ऑफ, और वो कहती है कि जैसे एक लेट विंटर का मून होता है ना, पीला सा पड़ जाता है, वैसे ही मेरी मदर भी पीली पड़ गई है। यहाँ पे अब वो बहुत परेशान हो रही होती है, तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखती है। जब वो अपने विंडो से बाहर देखती हैं कार के, तो वो कार आगे बढ़ रही होती है और जो पेड़ होते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं। आपने नोटिस किया है ना, जब गाड़ी आगे जाएगी तो हमें लगता है जैसे हमारे से सारी चीजें पीछे होती जा रही हैं। ऐसा होता है, और वो बाहर देखती हैं कि कुछ चिल्ड्रन, कुछ बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं खेलने के लिए। ठीक है, और एक इनको देखकर, बच्चों को देखकर कमला दास को अपना बचपन याद आ जाता है, और वो याद करती है कि जब मेरी माँ यंग हुआ करती थी। ये जो पेड़ एकदम जल्दी जल्दी पिछड़ते जा रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारी लाइफ में टाइम है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है भाई, बहुत जल्दी। अब अगली पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम के अंदर क्या बताया गया, आई होप आपको माई मदर एट 66 समझ में आ गई होगी, कि वो एक माँ और बेटी जब एक दूसरे से बिछड़ने का टाइम आता है, यानी कि वो लास्ट में जब एयरपोर्ट पहुंचती है लड़की है ना, तो वो जब लास्ट में बस बाय बाय कहती है, अपना दुख छुपा लेती है। अब कीपिंग क्वाइट जो पोएम है ना, ये एंटी वॉर पोएम है। जो आजकल दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, उन लड़ाइयों को रोकने के लिए जो वॉयलेंस होती है, जो एनिमल्स के साथ हम क्रुएल्टी करते हैं, जो वर्कर्स के साथ जो बुरा बुरा होता है, ठीक है, उसको बोला गया है कि ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन देते हैं कि भाई कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आंखें बंद करके अपने अंदर सोचो कि क्या आप जो भी काम करते हो वो सही है। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि इस पोएम में बताया गया है कि सभी लोगों को यूनाइट करना है, एक होना है, दूसरा स्टेप हमें ये उठाना है कि क्या हमारे अंदर सही है, क्या हमारे अंदर गलत है, रॉन्ग क्या है, ठीक है, और वो रॉन्ग काम जो भी हो रहे हैं उसको कर कौन रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से देखना है। और हर किसी के बारे में जब आप अगर ऐसे सोचोगे कि साथ रहना है, भाईचारा रखना है, एक रहना है, लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, तो सभी के दिल भी साफ हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद है कीपिंग क्वाइट पोएम जो है ना, वो एक मैसेज देती है कि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन्स एक भाईचारा, दुनिया भर में सभी में एक शांति हो, भाईचारा हो। लोगों को ये बताती है कि एग्रेशन को बिल्कुल बंद कर दो और एनवायरमेंट के लिए कुछ सोचो। ठीक है, और पोएट जो है ना ये यहाँ पर बोलता है कि जो लोग वॉर वगैरह लड़ रहे हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या एनवायरमेंट
या किसी भी तरीके की वॉर है जिसमें आप केमिकल यूज कर रहे हो, पॉइजनस गैसेस यूज हो रही है ना, बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं, वॉर चल रही है, तो इससे क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डेथ हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसी वॉर है, आप इसकी सेलिब्रेट नहीं कर सकते विक्ट्री, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पे नष्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो खराब हो रहा है ना। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है ये सब वॉर्स बंद होनी चाहिए, और जितने भी तरीके की एक्टिविटी है वो सब बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वो ब्लड में, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी का ब्लड है उसका स्टेन लग चुका है, आप इतने ज्यादा वॉयलेंट मतलब हो चुके हो इंसान। सो आप एक नए कपड़े पहनो और मींस एक नया माइंडसेट बनाओ, और सभी अपने दुनिया वालों को अपना भाई समझो, और दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह आगे बढ़ो। सो ये हमारी कविता है या पोएम है। फिर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हमारी नेक्स्ट पोएम है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। सो इसके अंदर ये बताया गया कि मतलब जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स कोई भी सुंदर चीज होती है जो, ठीक है, वो आपको हमेशा खुशी देगी, और चाहे कुछ भी हो आप उस सुंदर चीज को कभी हेट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे वो सुंदर चीज कभी कितनी फेड हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए, पर आप उन सुंदर चीजों को याद रखते हो हमेशा अपनी लाइफ में, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। डेथ होने के बाद भी अगर वो चीज खत्म हो गई है, फिर भी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, चाहे 1,000 साल गुजर जाए, कितने 2,000 साल गुजर जाए, वो चीज आपको मन में जब भी याद आएगी वो आपको खुशी ही देगी। सो आप अगर देखोगे, हम कुछ अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, कुछ शानदार सुंदर प्लेसेस में हम रहते हैं, कुछ सुंदर चीजें होती हैं, हमारा माइंड बहुत रिफ्रेश हो जाता है। आपने भी कभी लाइफ में क्या पता कोई फ्लावर देखा हो जिसको देखकर आपको बहुत खुशी मिली हो, या जो सनलाइट होती है सनशाइन से आपको खुशी मिलती हो, कोई पेड़ के नीचे आप कभी सोए हो, ठीक है, आपको याद आ गया यार मैं उस दिन उस पेड़ के नीचे सोया था, बड़ी अच्छी नींद आई थी। ये सारी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी ही तो हैं जो आपको खुशी देती है हमेशा, और जब भी आप याद करोगे आप खुश हो जाओगे। सो ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं वो एटर्नल सोर्स है खुशी का, कभी खत्म ना होने वाला सोर्स, ठीक है। कभी भी ब्यूटीफुल थिंग्स की ब्यूटी खत्म नहीं हो सकती, एक परमानेंट प्लेस होता है ब्यूटीफुल थिंग्स का हमारे माइंड्स के अंदर, ठीक है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। अब हमारी जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके जो पोएट हैं जोन कीट्स, उन्होंने कौन कौन सी चीजें बताई हैं जो कि ब्यूटीफुल होती हैं। एक तो है सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो आपको एक छाया देते हैं, डेफोडिल्स, ठीक है, और जो रिवर होते हैं, नदियां, ठीक है, मस्क रोज होते हैं जो जंगलों के अंदर, और जो हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं उनकी कहानियां, ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जब भी आप सुनोगे आपको अच्छा ही लगेगा। अगला जो है नेक्स्ट, वो है अ रोड साइड स्टैंड, ये नेक्स्ट पोएम है हमारी। रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है किसी रोड के किनारे की दुकान। अब ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये पोएम किसने लिखी है, बाय अनीशा मैम। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी दुकान तो लगा के बैठे हैं रोड के किनारे, पर कोई भी सिटी का आने वाला इंसान उनसे कुछ खरीदता नहीं है। तो पोएम की स्पीकर ये कहते हैं कि भाई जो लोग हैं, जो वर्क मतलब अपना काम हार्ड मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। सो स्पीकर ये कहता है कि मुझे बहुत दर्द होता है इसको देखकर कि ये लोग कितना सफर कर रहे हैं, ये लोग कितनी हेल्प मांग रहे हैं, कुछ करूं इसके लिए मैं। सो यहाँ पे एक पोएम जो है ना ये बताती है, एक छोटा सा एक पुराना सा घर है जहाँ पे बाहर एक न्यू शेड है, यानी कि दुकान टाइप से है, कुछ इस तरीके से है ना, घर है और बाहर दुकान टाइप से है रोड के किनारे। सो होता क्या है कि यहाँ पे फूड आइटम्स वगैरह हैं, ये लोग इसलिए ये दुकान खोल के बैठे हैं कि आने जाने वाले शहर के लोग आएंगे तो गाड़ी रोकेंगे और सामान खरीदेंगे। सो रोड साइड स्टैंड जो है ना, इसमें यही है कि भाई जो लोग आते जाते हैं, जो ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, वो रुके, कुछ सामान खरीद कर जाए, ठीक है, जिससे उनका सर्वाइवल चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है इसका उल्टा, जो शहर के लोग हैं वो रुकते ही नहीं है इन छोटी दुकानों पर जो रोड के किनारे हैं, इग्नोर करते हैं बड़े लोग इनको, और अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर कर ले जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सो ये पोएम जो है रोड साइड स्टैंड, ये यहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो लोग इतने बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, जो इंडिविजुअल्स हैं जो बिना थके काम कर रहे हैं, उनका कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा, उनका कोई उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। सो यही बोला गया है कि भाई ये कुछ ऐसी इनकी मदद करी जाए, ठीक है। ही कम्युनिकेट्स हिज टॉर्मेंट एट देयर पिटी एंड डिस्ट्रेस, एंड मतलब वो कितने ज्यादा परेशान है उसको देखते हुए पोएट ये कहता है कि आप मदद करो कि इनको कुछ एलिवेट करें, हम इनको ऊपर उठाएं, ठीक है, इनका कुछ फायदा करवाएं। नेक्स्ट पोएम है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर पोएम है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है क्या, ये जो टाइगर है
इनको कढ़ाई करके बनाया गया, ये असली टाइगर नहीं है। एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि जो मतलब कपड़ा सा समझ लो या कोई स्क्रीन समझ लो, उसके ऊपर इन्होंने क्या करा है, एक आंट जेनिफर हैं, उन्होंने ये टाइगर्स को बनाया है। ठीक है, अब इन्होंने क्यों बनाया है और ये टाइगर क्या दिखाते हैं, ये हमें समझना है। सो इसके अंदर क्या है कि ये जो मेल चोविनिज्म होता है, जो पेट्रियार्की होती है, ऐसी सोसाइटी जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों की ज्यादा चलती है, तो ये पोएम उसके अगेंस्ट है कि जो लोग, जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, जो परेशान रहती हैं, ठीक है, जिनको वो आवाज तक नहीं उठा सकती, शादी के बाद उनको सेकेंडरी समझा जाता है, प्राइमरी मेल्स को ही समझा जाता है। सो ऐसे में आंट जेनिफर की तरह कई लाखों हजारों विमेन हैं जो आज भी अपनी ये लाइफ जी रही हैं, जो बहुत ज्यादा खराब लाइफ है। सो ये पोयम क्या है कि एक फेमिनिस्ट तरीके से लिखी गई है कि जो मतलब इन विमेन्स के लिए राइट्स की आवाज उठाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद है जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं, वो ये बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर ने ना कुछ वो बुनाई वगैरह करके या फिर वो कढ़ाई करके ना टाइगर बनाए हैं, जो मैंने आपको पीछे फोटो दिखाया था। और ये जो टाइगर हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ताकतवर, फ्रीडम के साथ घूमने वाले। ठीक है, अब ये क्या है, टाइगर की पर्सनैलिटी और आंट जेनिफर की पर्सनैलिटी एकदम अपोजिट है। जैसी जिंदगी वो जीना चाहती थी ना, वो रियल लाइफ में तो नहीं जी पाई बिकॉज ऑफ हर मैरिज लाइफ, बट यहाँ पे वो टाइगर बना रही है ऐसे जो वो लाइफ जीना चाहती थी। सो टाइगर क्या है कि उनको टाइगर खुले में घूम रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी करना चाहें वो कर रहे हैं, जबकि जो इनकी मैरिड लाइफ है आंट जेनिफर की, वो हमेशा बर्डन की तरह रही है, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं। सो आंट जेनिफर के टाइगर कोई असली टाइगर नहीं है, वो एक इमेज है जो आंट जेनिफर ने बनाई है, जो बुनाई करके कढ़ाई करके बनाई है। ठीक है, और आंट जेनिफर जो कि आप कह सकते हो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो एक सफर करती हुई विमेन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो चाहती है कि मेरा अल्टरनेट कुछ वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए जहां मुझे फ्रीडम हो, जैसे ये टाइगर घूम रहे हैं। सो जो टाइगर हैं वो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके सपने क्या हैं आंट जेनिफर के, और यहाँ पे वो कितना आजाद होना चाहती हैं इस डर से, और ये जो उनको ऑप्रेस करके दबा कर रखा गया है, वो चाहती हैं कि ये सब चीजें खत्म हो। सो यहाँ पे जो पोएट है वो यही बताना चाहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो थ्रू आउट अपनी लाइफ टाइम काम करती हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए, लेकिन फिर भी उनको एक सेकेंडरी ऑप्शन की तरह ही रखा जाता है सोसाइटी में। सो जो एक मैरिटल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो एक शादी का जो आप कहते हो ना एक बंधन है, वो बहुत ज्यादा बर्डन बन चुका है आंट जेनिफर के लिए, क्योंकि जो अंकल है भाई वो सही से ट्रीट नहीं करते उनको। ठीक है, अपना वो वॉयलेंट वगैरह होंगे थोड़े। सो इस तरीके से है। सो पोएट यही कहता है कि चाहे उनकी डेथ क्यों ना हो जाए, लेकिन ये जो आंट जेनिफर का ट्रॉमा है ये हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम उनकी जो स्टोरी है, जो भी सुनेगा उनको दुख होगा कि भाई उनको कितना बुरा बुरा सहन करना पड़ा था। लेकिन जो आंट जेनिफर के टाइगर है ना, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो एटर्नल है भाई, वो टाइगर वैसे के वैसे ही रहेंगे और हमेशा प्राउड रहेंगे, ना किसी से डरेंगे, जो मन करेगा वो टाइगर वो करेंगे। सो आई होप ये पोएम आपको समझ आ गई होगी, पैट्रियार्की के ऊपर लिखी हुई पोएम है। जो जितने भी पोएम्स थी मैंने आपको एक शॉर्ट समरी बता दी है सभी की, एटलीस्ट कुछ आएगा तो आप कुछ तो लिख सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय